आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 19वां अध्याय वचन 1 से 15। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है, इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं, और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और अखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इसराइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है, तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इसराइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबसे पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौट कर यर्दन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यर्दन पार ले आए।